everyone, this is Vishali Tyagi and welcome back to my YouTube channel. And आज मैं हूँ जयपुर द पिंक सिटी में और खुद भी मैं पिंक पिंक बन के घूम रही हूँ. सो अभी सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं आज जयपुर के थोड़े बहुत साइट सीन. यहाँ पे कंटिन्यूसली बारिश हो रही है सो थोड़े बहुत ही साइट सीन हो पाएंगे. सो आई विल टेक यू गाइज विद मी एंड द फर्स्ट स्टॉप जहाँ हम गए हैं वो है हाथीगांव. एंड हाथीगांव पड़ता है मेरे रिजॉर्ट और जयपुर के थोड़े मिड में, मतलब सिटी के थोड़े आउटस्कर्ट्स में है. एंड वहां पे काफी सारे हाथी हैं जिनके आप राइड ले सकते हो. और वहां जाके मेरे साथ बहुत एक फनी सीन हुआ. जो पर्ची काटती है आंटी, उनको लगा कि मैं कोई अंग्रेज हूँ और उन्होंने मुझे एंट्री करने नहीं दी जब तक मैंने उन्हें अपनी आईडी नहीं दिखाई. और वो मान ही नहीं रही थी मैं उनसे हिंदी में बात कर रही हूँ. एंड वो मान ही नहीं रही, कह रहे पहले आईडी दिखाओ तभी आपको एंटर करने देंगे. इट वाज सो फनी बट या सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे एलिफेंट विलेज में. सबसे पहले इंट्रोड्यूस टू एलिफेंट स्टार्ट करते हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा हाथी की लाइफ स्टाइल के बारे में. हाथी कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, उनकी लाइफ कितनी होती है, उनका प्रेगनेंसी टाइम क्या है. बहुत अमेजिंग बातें हैं और वो बातें हैं जो आप लोगों ने ना तो कहीं डिस्कवरी में देखा होगा, ना कहीं बुक्स में पढ़ा होगा और ना कहीं सुना होगा. क्योंकि सर ये हाथी का काम हम लोग 4 फादर्स टाइम से कर रहे हैं, 7-8 जनरेशन से. अगर सर पूरे नॉर्थ ऑफ राजस्थान में कहीं आती है तो वो सिर्फ जयपुर में, बाकी रेस्ट राजस्थान में कहीं आती नहीं है. और 125 आती में ओनली टू मेल, बाकी सब फीमेल है मैडम. 123 आर फीमेल. हेल्थ अच्छी होती है तो ये इजीली 100 इयर्स क्रॉस कर पाते हैं. इजीली 125 अप टू 135 ईयर इजीली जी पाते हैं. तो लास्ट थिंग बता देता हूँ उनकी डेली एक्टिविटी. आप लोग एलिफेंट्स की मेमोरी पावर के बारे में क्या जानते हैं? सपोज आज एक हाथी को आप यहाँ से लेके जाते, आप आते हैं मैडम 5 साल बाद, 20 साल, इवन 50 साल बाद, सेम हाथी आपको सेम डायरेक्शन, सेम रूट, सेम प्लेस, सेम होटल लेके जाए. हम लोग हैं अपने सेकंड स्पॉट पे. जो हमारा सेकंड स्पॉट है वो है गिटौर की छतरियाँ. ये एक्चुअली क्रिमेशन साइट्स है पुराने रूलर्स की, बट ये बहुत सुंदर प्लेस है फोटोग्राफी के लिए, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं. एंड लेट मी शो यू अराउंड दिस ब्यूटीफुल प्लेस. तो वेलकम टू द सिटी पैलेस. मेरा नाम राजवेंद्र सिंह है, मैं यहाँ पे गाइडिंग वर्क करता हूँ. और वैशाली जी मैडम तो आप बताएंगे. तो ये जो आप फ्लैग ऊपर देख रहे हैं ये जो रेजिडेंस है इसको हम चंद्र महल बोलते हैं. यहाँ पे हमारे जयपुर के राजा सवाई पद्मनाभ सिंह जी जो भी जयपुर के राजा साहब हैं वो यहाँ पे आज भी रहते हैं. जो भी 25 ओल्ड है उनका नाम है महाराजा सवाई पद्मनाभ सिंह जी. तो पहले 1727 की बात करें तो 1727 से पहले जयपुर रॉयल फैमिली आमेर फोर्ट में रहा करती थी. आज जयपुर रॉयल फैमिली इस पैलेस में रहती हैं और ये जो महल है ये उन्हीं का रेजिडेंस है. और आज आपने जो टिकट लिया वो एक स्पेशल टिकट है उनके पर्सनल रेजिडेंस को अंदर से विजिट करने के लिए. तो ये जो ऊपर फ्लैग देख रहे हैं आप, देखिए दो फ्लैग है, ये जयपुर का फ्लैग है. इसमें आप देखें तो 5 कलर्स हैं, इसलिए हम पंचरंगा झंडा इसे हम कहते हैं 5 कलर.
ये इस वजह से क्योंकि राजा मानसिंह फर्स्ट जिन राजा ने आमेर का किला बनाना स्टार्ट किया उन राजा ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करके वहाँ के 5 किंगडम्स को वॉर में हरा दिया। Okay. तो 5 किंगडम के 5 फ्लैग को कलेक्ट करके मर्ज करके यहाँ रॉयल फ्लैग बना। Okay. इसके ऊपर जो क्वार्टर फ्लैग लगा हुआ स्मॉल फ्लैग, वो स्मॉल फ्लैग राजा की प्रेजेंस को इंडिकेट करता है। जयपुर के जो किंग है अभी सवाई पद्मनाभ सिंह जी अभी सिटी में है, इसलिए यहाँ पे अभी 2 फ्लैग लगे। Okay. अगर राजा जयपुर शहर से बाहर चले जाते तो ऊपर जो क्वार्टर फ्लैग है उसे हटा दिया। तो ये 7 मंजिला बना हुआ है। और एक सबसे अच्छी चीज, राजा ने इसको चंद्र महल नाम क्यों दिया, क्योंकि राजा जो सवाई जयसिंह जी थे उन्होंने अपने क्वीन के नाम पे ये महल। Hey everyone, so we are at City Palace in Jaipur and I've taken a special ticket of 3000 rupees क्योंकि भाई मुझे अंदर से उनका जो यहाँ का चंद्र महल है जो कि राजा का अपना महल है वो अंदर से विजिट करने को मिलेगा और काफी सारे ब्यूटीफुल एस्थेटिक रूम्स हैं जो हम वहाँ पे जाएंगे और फोटोग्राफ्स क्लिक करेंगे। सो कम ऑन अंदर। अच्छा वो नीचे यहाँ से उन्होंने नहीं, ये भगवान श्री गोविंद देव जी का मंदिर है जयपुर के आराध्य देवी गोविंद देव जी का टेम्पल। मंदिर टेम्पल में जो आइडल्स है राधा कृष्णा जी वो बहुत हजारों साल पुराने हैं, जिन्हें वृंदावन से सवाई जय सिंह जी वॉर्स के टाइम पे वो आइडल्स को नुकसान ना पहुंचे इसलिए उनको वहां से यहाँ देखा है। इसलिए जयपुर को मिनी वृंदावन, सेकंड वृंदावन, भगवान श्री कृष्ण जी की नगरी ये नाम से कहते हैं। स्ट्रेट लाइन में आप हैं, देख रहे हैं पहले से ही कि इसमें कुछ स्ट्रेट लाइन में है। अब आप टर्न करें, उपरी है, उपरी के पीछे पर गुंबद देख रहे हैं गोल से स्पाइक्स के साथ में। हां जी, ये जो है वो त्रिपोलिया गेट है। ओके, जो राज परिवार यूज करते हैं हमारे जयपुर रॉयल फैमिली। आज भी जयपुर रॉयल फैमिली के अलावा ये गेट कोई और क्रॉस नहीं कर सकता था। और ये सिटी सेंटर, और यहाँ से एक रोड जा रही है दूसरी रोड पे जयपुर के बहुत फेमस फेमस जैसे WDP मॉल आ जाता है, आगे जाते हैं तो इसमें कनेक्ट हो जाता है। और यही रोड एक नेवर एंडिंग रोड है। Okay. तो सब कुछ न्यू सिटी ओल्ड सिटी सब यहाँ से स्टार्ट हुआ है। अगर आप इस गेट के लेफ्ट साइड देखें तो पिंक सिटी, राइट साइड पिंक सिटी। और ये एक्चुअली जन्माष्टमी के दिन यहाँ पर जन्माष्टमी मनाई जाती है, ये कृष्ण जी के मंदिर की तरह, इसलिए इसका कलर भी ब्लू है एंड यहाँ ऊपर झूलों की भी स्पेस है। That's cool, right? पहले के यहाँ पे बैठ लगता था राजा का। Okay. यहाँ पे कैंडल स्टैंड पर कैंडल्स लगाए जाते थे, कैंडल जैसी ग्लास से टकराते थे Light. तो स्टार्स का फॉर्मेशन बन जाता था और कैंडल जैसी ग्लास से टकराता था ग्लास जो है वो गर्म होना स्टार्ट हो जाता था तो हीटर की तरह हीट किया करता था। Okay. तो विंटर्स में एक बहुत अच्छा एटमोसफियर हो जाता था यहाँ पे। Okay. विदाउट फ्लैश जो भी यहाँ पे हो रहा है, जो 2 कैंडल को जलाएंगे एक डेमोन्स्ट्रेशन, 2 कैंडल का रिफ्लेक्शन इतना होगा कि हम काउंट नहीं कर पाएंगे।
सो द नेक्स्ट रूम दैट वी विजिटेड इज शोभा निवास. जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स वगैरह होते थे, यज्ञ होते थे, वो सब इस रूम में किए जाते थे. तो जो आप ये रेड सीट्स देख रहे हैं, ये रॉयल फैमिली की सीट थी एंड वाइट सीट्स पर बाकी के गेस्ट बैठा करते थे. आई थिंक दिस रूम वॉज द बेस्ट वन इन द होल टूर. उसके बाद पीकॉक गेट के आगे थोड़े बहुत पिक्चर्स क्लिक करवा के हम लोग सीधा पहुंचे टेरेस पर, जहां पर आपको एक ब्यूटीफुल सा व्यू मिलता है और ऑल्सो वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री बेवरेज एंड कुकीज आपको मिलते हैं. इसी के साथ दिस वाज द लास्ट डेस्टिनेशन ऑफ आवर सिटी पैलेस टूर और यहां पर ये टूर एंड हो गया. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट डेस्टिनेशन. So it was amazing at City Palace and मुझे अभी हम लोग आए हैं हवा महल, but हवा महल मुझे अंदर से देखना नहीं था because last time मैं already देख चुकी हूँ. So this time I came to this cafe called the Tattoo Cafe and ये बहुत ही instagrammable spot है. It is very famous. ये जो terrace है इसकी, ये बहुत famous है and I took some beautiful pictures here. So yeah, it's right opposite the Hawa Mahal and you can come here, have some great food and have some great pictures as well. So yeah. सो यू कैन ऑल्सो विजिट पन्ना मीना का कुंड, जो कि आपको आमेर फोर्ट के रस्ते में ही मिलेगा. द नेक्स्ट डेस्टिनेशन दैट वी आर गोइंग टू इज आमेर फोर्ट. आमेर फोर्ट इज लाइक द हार्ट ऑफ जयपुर एंड आई थिंक एवरीवन शुड विजिट दिस प्लेस. इसका आर्किटेक्चर बहुत ही खूबसूरत है एंड ये बहुत बड़ा है. एक्सप्लोर करने के लिए आपको एटलीस्ट 1.5 to 2 hours लगते ही लगते हैं इस जगह में एंड देर आर सो मेनी ब्यूटिफुल प्लेसेज हियर टू एक्सप्लोर. सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज नाहरगढ़ फोर्ट. ये जगह फेमस है सनराइज एंड सनसेट के लिए. ऑल्सो यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है तो टाइमली पहुँचना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एंजॉय अ ब्यूटिफुल सनसेट. दैट्स वॉट वी डिड हियर. So after seeing a really good sunset, we came back to Delhi and that is how I want to end this video, with this beautiful sunset view. I also uploaded one more vlog of the Fairmont Jaipur, वहाँ का stay और वहाँ का resort और room tour मैंने डाला है. If you want to check that out, you can do it from the link above. Thank you for watching and please like and share this video, and also if you like this video, subscribe to my channel and I'll see you in the next video. Thank you.